नेटी और नॉट, ये एक फेमस क्वेश्चन है। दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। नंबर वन, वो लोग जो स्टेरॉइड्स लेते हैं और इसके बारे में खुल के बताते हैं, सो वी रिस्पेक्ट देम। नंबर टू, ये वो लोग हैं जो स्टेरॉइड्स लेते हैं बट अपने पर्सनल रीजंस की वजह से बताना पसंद नहीं करते, हमें इनसे भी कोई दिक्कत नहीं। एंड फिर वो लोग आते हैं जो नंबर थ्री पे हैं, वो लोग जो झूठ बोलते हैं अपने स्टेरॉइड यूज करने पे, और साथ ही साथ वो ये क्लेम करते हैं कि वो नेचुरल हैं पैसों के लिए और ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए। आज के टाइम में कई ऐसे केसेस हैं जिन्हें काफी मुश्किल है पता लगाना कि वो नेचुरल हैं कि नहीं। ओके, कल जब मैं अपने दोस्त विक्रांत भाई के साथ वर्कआउट कर रहा था तो हमारी एक छोटी सी बहस हो गई कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को लेके कि वो नाइटी भी हैं कि नहीं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गेम ये है कि हमारे सामने कुछ इन्फ्लुएंसर्स की फोटोज आएंगी, ठीक है, और हमें ऑन द टाइम तहा प्ले करेगा फोटोज को और हमें ये बता कि कौन सा बंदा नेचुरल है और कौन सा नहीं, और हम लोग ऑन अकाउंट ऑफ थ्री पे बोर्ड उठाएंगे, ठीक है। जी सर, आज नाइटी है ना? बिल्कुल भाई, बिल्कुल ग्रीन नाइटी। तो जी सलाल भाई नाइटी है। द रीजन बताइए पहले आप। रीजन ये कि एक तो लॉन्ग टर्म से कर रहा है, कंसिस्टेंट क्या कर रहा है लॉन्ग टर्म से, वर्कआउट। अच्छा ठीक है। और दूसरा कंसिस्टेंट है और फिजिक, हाँ मतलब जो राउंडनेस है, मतलब पूरी नेचुरल है, पूरी नेचुरल वाली दिखती है, मतलब पूरी। देखो मैं ये कहूंगा मुझे इतनी शार्पनेस नहीं दिखती उनकी बॉडी में एज कंपेयर टू जो एनहांस्ड बॉडी है, ठीक है, तो मैं उनको नेचुरल कंसीडर करता हूं। नेचुरल नॉट भाई, स्क्रिप्टेड मत करो भाई, स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, बिल्कुल बिल्कुल नॉट है, नॉट नॉट। मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल में सिंगर को बताता हूं, सिंगर बहुत अच्छा एथलीट है, उसने इतने सारे लोगों को इंस्पायर करा है। उनका सबसे बेस्ट पार्ट बेस्ट भी है, हाँ, और वर्स्ट पार्ट ये है कि, हाँ, कि वो खुद को नैटी बोलता है यार। मुझे वर्स्ट पार्ट वो है, मुझे और सेकंड अच्छी, हाँ, बात उनकी ये है कि वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हाँ, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, उसके लिए रिस्पेक्ट बनता है, जो वैल्यू ऐड करता है सोसाइटी में। बिल्कुल सही, लिफ्टिंग आप अच्छी करते हो और आपको एडवांस होना ही पड़ता है अगर आप इंडिया के लिए खेल रहे हो और उस लेवल पे खेल रहे हो, तो आपको एडवांस होना ही पड़ेगा, एडवांस होना ही पड़ेगा। थोड़ा बोल्ड नीचे करके बोलो, हाँ, पता चला मुंह यूं गायब हो जाएगा, फिर कल गालियां कैसे पड़ेंगी, गालियां भी तो पड़नी चाहिए, गालियां नहीं पड़ेगी। तो गाइस ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में थोड़ी ज्यादा गालियां वरना पिछली बार से कम। पार्ट 1 में उनके लिए भाई, सिंगर के लिए उनके लिए तो रिस्पेक्ट है क्योंकि इंडिया के लिए अभी गोल्ड लेके आए वो। मुझे बताओ, सिंगर से कोई दिक्कत नहीं है, सिंगर बहुत अच्छा एथलीट। अभी शायद उन्होंने, अरे मुझे भी तो बोलने दे यार। नहीं भाभी, मैं बता रहा हूँ, अभी उन्होंने शायद 180-187 की बेंच मारी है, हाँ बिल्कुल सही, गोल्ड भी लेके आए, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी बात है भाई उसके लिए। तो सिर्फ जवाब के लिए, आंसर के लिए था, बाकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट है, नॉट है वो, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत है। भाई ऑब्वियसली जो इंसान स्टेज पे कंपटीशन खेल के आ रहा है वो नाइटी तो नहीं हो सकता, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, तो नॉट। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर उनके लिए रिस्पेक्ट यूं भी है कि वो खुद उन्होंने कभी नहीं बोला कि वो नेचुरल है, वो ना वो गुमराह कर रहे हैं किसी को, तो इसलिए वो गलत भी नहीं है। यतेंद्र सिंह सर, रिस्पेक्ट सर, इसलिए रिस्पेक्ट है आपके लिए, एंड लव यू सर टू। मुकेश गहलोत सर, गुरुजी के लिए भाई नॉट है, तो लेकिन गुरुजी रहेंगे चाहे वो नॉट हो चाहे नाइटी हो, पर नहीं कौन था। उन्होंने नाइटी भी बनाए, हाँ, नॉट भी बनाए, नॉट भी बनाए, उन्होंने सब बनाए, गुरुजी गुरुजी है भाई, तो ये पहली बात तो उनके लिए होने ही नहीं चाहिए। आईडा तो अरे नॉट, इसका जवाब मैं दूंगा। ये तो देखो मैंने मतलब ये दोनों देख लो, पहले लिंक बिफोर आप हो गए, उल्टा हो गया। नहीं सॉरी, बिफोर आफ्टर हो, कहना क्या चाहते हो यार, ठीक है। जो आजकल जो नॉलेज के लिए बोला था, खुद भी एक्सेप्ट करा था की पहले वो ड्रग्स पे थे बट अब नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इनको हम लोग ऐसा नहीं करेंगे 50-50, लेकिन नॉट में तो है बट वो सच्चा ले चुके तो वो नॉट ही हो गया। मुझे ऐसा लगता कुछ ओरल फॉर्म में उन्होंने कुछ ना कुछ तो लिया है, आपको क्या लगता है इसके बारे में? जिस हिसाब के अभी बीच में शार्पनेस आई थी जब वो बिग बॉस के टाइम की बात, तो उस टाइम लिया हुआ ना, तो वंस इन अ लाइफ टाइम ओरल भी लोगे तो आप नॉटी कंसीडर, ऑब्वियसली बात है भाई। क्रिएटिन इसके अलावा कुछ भी आप लेते हो, अब सप्लीमेंटेशन मत जाना, बेसिकली जो अननेचुरल फॉर्मेट में आता है, यानी जो मतलब एनहांस फॉर्मेट में आता है, उसको हम लोग नॉटी कंसीडर करेंगे, चाहे उसने पहले कभी लिया हो चाहे नहीं लिया हो, ठीक है। 2-3 नील लेफ्ट नॉट। जो भी एनहांस बॉडी बिल्डर अगर आपको पता करना हो तो सबसे पहले उसके शोल्डर्स देख लो, क्योंकि जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं शोल्डर पेट होता है, स्ट्रफ ले रहे हो वो आपके शोल्डर पेट करेगा, तो उसको मैं यही बोलूंगा कि वो कंसेंट्रेशन में नॉट ही आएगा। दूसरा मसल की जो क्वालिटी है, ओके,
वो इतनी जल्दी मैच्योर मसल नहीं आता। नहीं आ पाता ना, अगर आप उसका साइज का ड्रास्टिक चेंज देखोगे तो एकदम पतले से इसका स्ट्रक्चर एकदम बड़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई समझदार अगर है तो ये चीज बहुत आसानी समझ जाएगा। मैं तो ये बोलता हूँ लोगों को इस चीज से झिझक क्यों है। इस लाइन में हूँ मैं, स्पीड में हूँ मैं, जानता हूँ कि अगर आपको नहीं वो तो ऑब्वियसली बात है। मैं 90 अगर आप फिटनेस फील्ड में हो, अगर आप 90 शो करते हो और अपनी बॉडी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखा रहे हो, नाइंस के स्पॉन्सरशिप्स हो गई, उल्टा भाई को फिर गुमराह करना हो गया। एग्जैक्टली आप सोसाइटी में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो फिर? आप तो मतलब गाली खाने वाले काम कर रहे हो। सिंपल, गलत गोल सेट कर रहे हो लोगों को। सिंपल सिंपल, फिर भाई सामने वाला ये सोचेगा अरे वो भी तो कर रहे हैं, उनका हो गया तो हमारा क्यों नहीं होगा, तो फिर वो डायरेक्शन भटक जाता है इंसान। तो अच्छा आप कोई पर्टिकुलर एग्जांपल देना चाहेंगे जो लगता है कि हां ये 90 है, जो अच्छा काम कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है साकेत भाई, हमसे रिस्पेक्टेड है, बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत कंसिस्टेंट। एक और बताता हूँ, हाँ बताइए। वो कैलिस्थेनिक भी करता है, उसका शायद गॉगल्स लगाता है, उसका नाम वो नहीं है सौरभ, क्या नाम है यार वो जो एकदम, अरे चश्मा भी लगाता है, पावर लिफ्टिंग भी करता है, वो लिफ्टिंग भी करता है, उसका नाम मुझे नहीं पता, स्प्लिट मारता है भाई वो। हाँ कैलिस्थेनिक भी मैंने देखा, मैंने देखा वो थोड़ा गांव साइड का भी है थोड़ा, है ना, तो उसका नाम मुझे पता नहीं चल रहा क्या नाम है, शायद सौरभ या गौरव कुछ करके ऐसे कुछ है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताना उसका नाम क्या है, वो भी काफी अच्छा एथलीट है। नहीं भाई डियर नॉट है, ओ सॉरी नेक्स्ट वाले। डियोंड का भी हुआ ही था कि उसका मेडिकल हुआ था, फेल हो गया था वो, उसमें नहीं हुआ था भाई, ट्रेन में चार्सी का हुआ था, रोहित चौहान। हाँ तो ये कट करो। नहीं नहीं कट नहीं करेंगे यार। क्या हुआ था? एचआरसी शायद, मुझे नॉलेज ना, आप शायद इसमें गलत है। लेकिन मैं क्यों, सुनिए मैं बताता हूँ, मैं क्लियर एग्जांपल दे रहा हूँ। मिहिर लिफ्ट और साकेत गोखले जब साइड में खड़े हुए थे, साकेत गोखले और मिहिर लिफ्ट का एक जो स्ट्रक्चर डिफरेंस था वो क्लियरली विजिबल था, लेकिन जब साकेत गोखले और डियोंड खड़े थे तो वो दोनों क्लियर दिख रहे थे, ये दोनों 90 सेम दिख रहे, सेम मतलब ऑलमोस्ट फ्रेम एकदम सेम था उनका। अभी डियोंड बहुत शार्प हो गया, शार्प हो सकता है भाई, देखो उसको क्या हुआ है कि 8 से 10 साल हो चुके हैं, तो ये 10 ईयर बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम है, तो 90 कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ ऑब्वियसली बात है, देखो जो सच है, देखो हर एथलीट के लिए रिस्पेक्ट है, हर एथलीट के लिए रिस्पेक्ट है, ये भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हम लोगों को इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस चीज को समझते हैं कि वो किस जगह पे पहुंचे, लेकिन सोसाइटी को गुमराह करना, ये बताना कि हम 90 हैं, तो वो चीज मुझे भी अच्छी नहीं लगी। और मैं ज्यादा साकेत को देखता हूँ, साकेत के साथ उसने शायद एक बार वर्कआउट भी करता है, वीडियो भी डालता है, बहुत अच्छे दोस्त भी है, बहुत अच्छे दोस्त भी है, तो शायद डियोन को मैं इतना नहीं देखा होगा, बट साकेत को तो मैं देखता हूँ, साकेत इज नेचुरल, तो इसलिए डियोन भाई सॉरी आप 90 है, 90 है, 90 है। इसमें मैं 2-3 एडिशंस करना चाहूंगा, थोड़े फनी एडिशंस होंगे, तो आप बता रहे वो 90 है कि नहीं है। ठीक है ओके, ऑन अपनी स्क्रीन पे 3 हर्ष बेनीवाल, लोग जो है ना जो फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं इस स्टाइल में, तो आई सीरियसली रिस्पेक्ट दैम। गो मिसेस सोनी, सत्तू भाई नॉट नेचुरल भाई, लेकिन अभी वो रेमानंद महाराज उसमें गए थे ना, वहां जाके उनने बड़े प्राउडली बोला कि वो 90 है, नहीं कि मैंने एक ड्रिंक चलाई थी सत्तू वाली, तो वो वर्ल्ड फेमस हो गई, 1 करोड़ लोगों ने देखा। हाँ ठीक है मानता हूँ मैं बात, एग्री ठीक है, माना वो उन्होंने अच्छी चीज करी, लेकिन आप झूठ बोल के ये चीज कर रहे हो, वो भी तो गुरु जी को जो उनका पास था उसको वो डिनाई नहीं करता। अब स्क्रीन पे नहीं आएगा, अब ये क्वेश्चन आपके लिए, आर यू 90 और नॉट भाई साहब? इसमें मैं क्या बोलूं, इसमें आप भी नॉटी बोलो, नॉटी बोलो, तो आप अपने आप को क्लियरली नॉट बोलते हो। हां मैं ठीक है, तो भाई हमारे नॉट है, नॉट प्योर नॉट, कोई शर्म की बात। ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल पे नए हो तो बिल्कुल आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, और अपने सजेशंस भी दीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट में किसको लेकर। तो अब अपना मतलब जो डिफरेंसेस स्टार्टिंग में जिम में आ रहे थे, अपनी जो बहस चल रही थी कि भाई नहीं ये 90 है नॉट नहीं, तो अभी वो अपने डिफरेंसेस क्लियर हो चुके हैं। सो गाइस दैट्स अ रैप अप, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।